नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। NMCH में 75 जूनियर डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव, अस्पताल में मचा हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां NMCH में हड़कंप मचा हुआ है। NMCH के 75 जूनियर डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं 8 स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमित मिले हैं। 194 RT-PCR जांच में कुल 75 जूनियर डॉक्टर संक्रमित मिले हैं। इसे लेकर NMCH में आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई फैसले लिए जाने की उम्मीद है। गौरतलब है कि NMCH में शनिवार को 75 डॉक्टरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ था, जिसमें 16 डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आए थे। बीते दिनों अस्पताल के डॉक्टरों ने IMA के सम्मेलन में शामिल हुए। कोरोना के लक्षण मिलने पर NMCH के सेंट्रल इमरजेंसी में एंटीजन से जांच की गई। जांच में 16 डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पॉजिटिव रिपोर्ट आने वाले में रेजिडेंट डॉक्टर, PG शिशु रोग विभाग एवं अन्य विभागों के डॉक्टर व इंटर्न भी शामिल थे। नहीं थम रही संक्रमण की रफ्तार, बिहार में कोरोना के 352 नए मामले मिले, एक्टिव केस 1074। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। साल के पहले दिन कोरोना के मामले बिहार में फिर बढ़ गए हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में आज कोरोना के 352 नए मामले सामने आए हैं, वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1074 हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज पटना में मिले हैं। पटना में 142 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं, वहीं गया में 110 नए मरीज मिले हैं। बात यदि कल की करें तो बिहार में कोरोना के 281 नए मामले सामने आए थे, वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब तक 749 थी। कल भी सबसे ज्यादा मरीज पटना में ही मिले थे। पटना में 136 कोरोना के नए संक्रमित मिले थे, वहीं गया में 70 नए मरीज मिले थे। वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार तेज है, वहीं पश्चिम बंगाल में भी स्थिति ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में 6,153, दिल्ली में 3,194, मुंबई में 8,063, बोकारो में 93 नए मामले सामने आए हैं। बोकारो में एक महिला की कोरोना से मौत हो गई है। कई राज्यों में कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार पाबंदियां बढ़ा सकती है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट आदि बंद करने की अनुशंसा की है। पटना में ठंड के कारण स्कूल बंद, 8 जनवरी तक के लिए DM का आदेश जानिए। राजधानी पटना में हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बीच इस वक्त की ताजा खबर सामने आ रही है। पटना के सभी स्कूलों में ठंड के कारण छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जो आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक अब 8वीं तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। पटना DM का यह फैसला जिले के अंदर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। पटना DM ने जो आदेश जारी किया है, उसमें कहा गया है कि बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए 8वीं तक के बच्चों का स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेगा। बता दें कि इससे पहले ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया था। बता दें कि बिहार के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि अगले 10 दिनों तक पटना में कड़ाके की ठंड रहेगी, इसके बाद हल्की राहत मिलने की संभावना है। वहीं अब ठंड की वजह से स्कूल बंद होने से स्कूली बच्चों के साथ अभिभावकों को भी राहत मिलेगी। बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट, CM नीतीश के निर्देश के बाद आज से IGMS में शुरू हुई जांच। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जांच शुरू हो गई है। अब ओमिक्रॉन के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ज्यादा पॉजिटिव मरीजों के सैंपल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद IGMS में यह जाँच आज से शुरू हो गई है। इसके लिए सबसे पहले 25 सैंपल की सीक्वेंसिंग जाँच शुरू हुई है। अब 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मिल जाएगी। इससे पहले सैंपल पटना से दिल्ली के NCDS लैब में भेजे जा रहे थे। बता दें कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बिहार में दस्तक दे दी है। पटना में ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला है। ओमिक्रॉन के मरीज मिलने तक राज्य में जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की सुविधा नहीं थी। इसको लेकर CM नीतीश कुमार ने शुक्रवार शाम को अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बिहार में ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं, ऐसे में सबसे पहले पटना में ही ओमिक्रॉन की टेस्टिंग जल्द से जल्द व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। बिहार में पटना सहित इन शहरों की बदल जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था।
जाम से मिलेगा छुटकारा। बिहार में पटना सहित लगभग एक दर्जन बड़े शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को बदलने पर विचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य के एक दर्जन बड़े शहरों की ट्रैफिक समीक्षा की जाएगी। इसमें शहर की आबादी, गाड़ियों की क्षमता, जाम लगने वाले इलाके, पुलिस बल व आधारभूत संरचना आदि पर समीक्षा की जाएगी। इन सब के अलावा सड़क सुरक्षा पर भी जोर होगा ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। पहले चरण में प्रमंडलीय मुख्यालय वाले शहरों को चुना गया है, इसके बाद अन्य शहरों का नंबर आएगा। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए इन शहरों के महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की भी योजना है। इसके लिए मुख्य जगहों के प्रस्ताव मांगे गए हैं, साथ ही ट्रैफिक पुलिस बल बढ़ाने की भी योजना है, इस पर विचार किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस को भी अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने का काम भी शुरू हो गया है। इसके तहत नालंदा, भागलपुर, पटना समेत कई शहरों में पुलिस को बॉडी वार्न कैमरा और स्पीड गन आदि भी मुहैया कराए गए हैं। तीसरी लहर से लड़ने को तैयार हो रहा है बिहार। पटना में आइसोलेशन सेंटर बने, जांच केंद्र भी बढ़ाए गए। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में शनिवार को कोरोना के 281 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 749 हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज पटना में ही मिले हैं। पटना में 136 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। वहीं गया में 70 नए मरीज मिले हैं। मरीज बढ़ने के साथ ही सरकार ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी भी तेज कर दी है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए पटना के पाटलिपुत्र अशोका होटल में आइसोलेशन सेंटर के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहां कुल 152 ऑक्सीजन बेड। पाटलिपुत्र के टीकाकरण केंद्र को होटल कोटिल्य में शिफ्ट किया जा रहा है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिला कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित कर लिया गया है, जहां 112 बेड हैं। मित्तन घाट स्थित खानका भुजिबिया में 25 बेड हैं, जिसे तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार अभी 289 बेड तैयार है तथा कांगन घाट में 200 बेड की व्यवस्था प्रकाश पर्व के बाद हो जाएगी। पटना में गंगा पर बनेगा एक और 6-लेन पुल, यूपी जाना होगा और आसान। राजधानी पटना से एक अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा पर 6-लेन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे उत्तर बिहार आना जाना आसान हो जाएगा। इसको लेकर DPR तैयार कर लिया गया है, बहुत जल्द ही पुल निर्माण तैयार हो जाएगा। बता दें कि पटना के दीघा और सारण के सोनपुर के बीच JP सेतु के समानांतर प्रस्तावित पुल अब 4-लेन की जगह 6-लेन का बनेगा। गुरुवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के महानिदेशक तथा पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के बीच हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर सहमति बनी है, जिसकी जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी है। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड, दिन रात का पारा गिरा। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, मौसम ने रुख बदलना शुरू कर दिया है। राज्य के कई जिलों में सर्दी के मौसम के दौरान बीते दिनों बारिश देखने को मिली, जिस वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी बारिश की संभावना है, साथ ही पछुआ हवा चलने से तापमान में गिरावट दिख सकती है। वहीं बीते रात तापमान में हल्की गिरावट भी देखी गई। पटना मौसम विभाग के अनुसार राज्य में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच बना हुआ है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र से जारी रिपोर्ट के अनुसार छपरा का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री, पटना में 10.5 डिग्री, गया में 13.1 डिग्री, भागलपुर में 12.8 डिग्री, पूर्णिया में 12.9 डिग्री, वाल्मीकि नगर में 10.6 डिग्री, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 13 डिग्री, सुपौल में 13.9 डिग्री, फरबिसगंज में 10.5 डिग्री, मोतिहारी में 11.6 डिग्री, गोपालगंज में 11.3 डिग्री, जीरोदय में 12.4 डिग्री और समस्तीपुर में 11.3 डिग्री दर्ज किया गया है। राज्यपाल फागू चौहान, CM नीतीश और तेजस्वी यादव ने नव वर्ष 2022 की दी बधाई। नए साल का आगमन हो गया है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को नव वर्ष 2022 की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा व्यक्त की है कि वर्ष 2022 समस्त बिहार वासियों एवं देशवासियों के लिए सुख, शांति, सद्भाव एवं समृद्धि एवं अनंत सफलताओं का वर्ष होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के गौरव को पुनर्जीवित करने के साथ
प्रदेश के विकास यात्रा में सहयात्री बनने का आह्वान करते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले वर्ष में बिहार देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बना सकेगा। मुख्यमंत्री ने न्याय के साथ बिहार के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि सबके सम्मति प्रयास से सुखी समृद्ध एवं गौरवशाली बिहार का निर्माण होगा। ट्रेन में सो रहे यात्री जाग जाएं, आपका स्टेशन आ गया है। रेलवे ने शुरू की डेस्टिनेशन अलर्ट सेवा, ऐसे उठाएं लाभ। अगर आप रात में ट्रेन में सफर कर रहे हैं और बीच में आपका स्टेशन आने वाला है तो टेंशन बढ़ी रहती है, क्या पता सोते रह जाएं और जिस स्टेशन पर आपको उतरना है वहां से ट्रेन आगे निकल जाए। कई यात्री तो रात भर जागे ही रह जाते हैं ताकि अपने गंतव्य स्टेशन पर उतर पाए, लेकिन अब ट्रेन में बेफिक्र होकर सोइए, आपका स्टेशन आएगा तो रेलवे आपको जगा देगी। रेलवे ने यात्रियों के लिए वेकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट सेवा शुरू कर दी है। रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए वेकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट सुविधा शुरू कर दिया है। रात में ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो इस सर्विस को एक्टिवेट कर दें, फिर यात्री का स्टेशन आने वाले से ठीक पहले अलार्म बजने लगेगा। ये अलार्म आपके फ़ोन में बजेगा, जब तक आप फ़ोन नहीं रिसीव करेंगे तब तक आपका फ़ोन बजता रहेगा। आप जाग कर फ़ोन रिसीव करेंगे तब अलार्म बंद हो जाएगा। रेलवे के इस सेवा से यात्री आराम के साथ अपने गंतव्य स्टेशन पर उतर सकेंगे और उससे पहले ट्रेन में नींद भी ले सकेंगे। रेलवे की इस नई सेवा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को 139 पर कॉल कर वेकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट सुविधा एक्टिवेट कराना होगा। यात्रा के दौरान इस सेवा की शुरू करने के लिए अलर्ट टाइप करने के बाद अपना PNR नंबर टाइप कर डेस्टिनेशन अलर्ट 139 पर भेज देना होगा। इसके बाद आपका काम रेलवे करेगा, रेलवे खुद आपके यात्रा की जानकारी आपके PNR से ले लेगा, फिर रेलवे के सिस्टम में आपकी पूरी जानकारी फीड कर दी जाएगी। जैसे ही रेलवे टिकट पर दर्ज गंतव्य स्टेशन आने वाला होगा वैसे ही आपको कॉल चला जाएगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक नए साल में इस सेवा को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।